हेलो फ्रेंड्स, अपने आप को हमेशा एक सफल व्यक्ति के रूप में देखो, क्योंकि एक बड़ा ही अच्छा जीवन आपके सामने है, आपको बस उसे पाना है। ऐसा कहना था एंड्रू कार्नेगी का, जो 19वीं शताब्दी के एक महापुरुष थे जिन्होंने अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री का एक्सपेंशन किया। वो काफी ज्यादा परोपकारी और दानवीर व्यक्तियों में से एक थे। इनकी दानशीलता आप इस तरह से जान सकते हैं कि अपने जीवन के मात्र 18 साल में इन्होंने $350 मिलियन दान किए थे। एंड्रू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलान्थ्रोपिस्ट रहे। आइए जानते हैं कि एक गरीब परिवार में जन्मे कार्नेगी एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कार्नेगी का जन्म डनफर्मलाइन स्कॉटलैंड में 25 नवंबर 1835 को हुआ। उनके पिता एक फेरी लगाते थे और उनकी माता घर पर केक बनाकर सड़क के नुक्कड़ पर बैठकर बेचा करती थी। कार्नेगी का बचपन बहुत कठिनाइयों भरा रहा। एक दिन घर वालों को बिना बताए वह अमेरिका चले गए और वहां उन्हें एक स्टील कंपनी में पियोन रख लिया गया। उस जॉब में ज्यादा वर्कलोड नहीं था, बस उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर की सहायता करने के लिए रखा गया था। जब डायरेक्टर को मदद चाहिए होती थी तो वो उन्हें बुला लेते थे और फिर वापस भेज देते थे। बाकी के समय में कार्नेगी स्टूल पर ही बैठे रहते थे, जो उन्हें बहुत टाइम वेस्टिंग लगता था। एंड्रू कार्नेगी का एक फेमस कोट था, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी सेट अ गोल दैट कमांड्स योर थॉट्स, लिबरेट्स योर एनर्जी एंड इंस्पायर्स योर होप्स। और अपने इसी कोट को उन्होंने अपने जीवन भर फॉलो किया। स्टूल पर व्यर्थ में बैठना उन्हें ठीक नहीं लगता था, तो उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज करने का सोचा और वह उस समय में मैनेजिंग डायरेक्टर की अलमारी से कुछ किताबें निकालकर पढ़ने लगते और उस तरह उनका समय गुजरता था। एंड्रू को नॉलेज गेन करने का बहुत शौक था। उन्होंने डायरेक्टर की किताबें पढ़कर बहुत सारी नॉलेज गेन करी। आइए एक ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं जहां उन्होंने अपनी उस नॉलेज से अपनी पूरी लाइफ ही बदल डाली। एक दिन किसी बात को लेकर कंपनी के डायरेक्टर्स में विवाद हो गया और कोई भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। वह सारी बात एंड्रू सुन रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो अपनी जगह से उठे। उन्होंने अलमारी से एक पुस्तक के पेज को खोलकर सबके सामने रख दिया, जिसमें उस प्रश्न का उत्तर था। सभी ने एक साथ उनकी खूब तारीफ की। उन डायरेक्टर्स में से एक ने कहा कि मन की चाहत से स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाया जा सकता है। संस्कार व्यक्तिगत और सामाजिक समृद्धि को प्राप्त करने का उपाय है, तुम अच्छी तरह से नॉलेज एक्वायर करना। एंड्रू कार्नेगी ने साबित कर दिया कि एक चपरासी भी मैनेजिंग डायरेक्टर की योग्यता पा सकता है। और उस इंसिडेंट के बाद से ही वो अपनी मेहनत, लगन और निरंतर प्रैक्टिस से आगे चलकर करोड़पति बिजनेसमैन बने। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक टेलीग्राफ मैसेंजर की नौकरी की। अपनी मेहनत के चलते ही कुछ वर्ष में ही टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम करने लगे। एंड्रू को पढ़ने में काफी रुचि थी, इसी रुचि के कारण इन्होंने स्वयं को शिक्षित भी कर लिया। 1853 में उन्होंने पेनिसिल्वेनिया रेल रोड में नौकरी कर ली। इन्होंने थॉमस स्कॉट के असिस्टेंट और टेलीग्राफर के रूप में काम किया, जो रेलवे के हाईएस्ट ऑफिशियल्स में से एक थे। यहां इन्हें रेल इंडस्ट्री और बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। 3 साल बाद ही उन्हें सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर प्रमोशन मिल गया और वो यहीं से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और आगे चलकर एक स्टील कंपनी के ओनर बन गए। फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होने के कारण उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी। 1865 में कीस्टोन ब्रिज कंपनी के साथ अपने अन्य बिजनेस इंटरेस्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने रेल रोड्स को छोड़ दिया और समय के साथ अपनी बिजनेस में समझ बढ़ाकर उन्होंने अपनी स्टील कंपनी बनाई, जिसने कुछ समय में ही अमेरिका में रेवोल्यूशन ला दिया। 1889 तक इनका स्टील कॉरपोरेशन दुनिया में सबसे बड़ा था। आगे चलकर ये स्टील किंग के नाम से फेमस हो गए। 1901 में एंड्रू के लाइफ में एक बड़ा चेंज आया जब उन्होंने अपने स्टील बिजनेस यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन को बेच दिया, जिससे उन्होंने $200 मिलियन से भी ज्यादा कमाए। 65 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद करने में बिताने का फैसला किया। इन्होंने पुस्तकालयों का निर्माण और दान करके कई परोपकारी कार्यों की शुरुआत की। इनके समर्थन से 2800 से भी ज्यादा पुस्तकालय खोले गए। 1919 में एंड्रू कार्नेगी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वे हमेशा कहते थे कि जो आदमी अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, वो आदमी किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।